गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपने चंडीगढ़ के गेस्ट हाउस में एंड बहुत थकावट हो चुकी है। बड़ी मुश्किल से अप्रूवल मिला है, 2 दिन लगे पहुंचने में। मतलब पहुंच तो मैं जल्दी गया था 1 दिन में एंड अप्रूवल में टाइम लग गया। तो पहुंचा हूँ जस्ट अभी रूम में एंड पहले आपको रूम टूर दिखा देता हूँ कैसा रूम है यहाँ का, इन्फोसिस चंडीगढ़ का। यहाँ से एंट्रेंस है, अल्ट्रा वाइड करके थोड़ी क्लैरिटी कम हो जाएगी, मैं इसलिए 1x पे कर रहा हूँ। चलो इस पर रखता हूँ। यहाँ से एंटर होते हैं। ये है अपना मिरर एंड यहाँ पे कुछ कप्स हैं, केटल है एंड कॉफ़ी, ग्रीन टी, मिल्क पाउडर एंड शुगर, 2 पानी की बॉटल्स हैं। इस तरफ चलो तो इस तरफ आता है अपना वॉशरूम, बहुत बड़ा सा टॉयलेट सीट है। यहाँ पे वॉश बेसन है, यहाँ पे बिल्कुल ही सेपरेट कैबिन है नहाने का ग्लास डोर के साथ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरर, पीछे इन्फोसिस के 4 वाइट टॉवल्स एंड यहाँ से निकलो तो यहाँ पे एक फ्रिज दिया हुआ है छोटा सा। यहाँ पे क्या है ये पता नहीं, हाँ ये डस्टबिन है, ये प्लग है यहाँ पे एंड फायर एक्सटिंग्विशर भी दिया हुआ है। यहाँ पे अपना सूटकेस रख दिया मैंने, यहाँ पे शू रैक है एंड ये कुछ कैबिन से यहाँ पे दिए हुए। सामने टीवी है बहुत बड़ी एंड लुक एट दिस, बहुत बड़ा मिरर दिया हुआ है यहाँ पे एक, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ये मिरर। एंड ये स्टडी टेबल है, यहाँ पे बैठने के लिए सिटिंग एरिया सीट दी हुई है। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है एंड टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और समथिंग। एंड यहाँ पे ये वाईफाई राउटर है क्या है आई डोंट नो। एंड यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा लैंप दिया हुआ है, लैंप्स लाइटिंग काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक सीनरी है, ये आपका AC कंट्रोल यहाँ पर एंड ये आपका एक टेबल, ये 2 टेबल हैं शेयरिंग रूम में, बट मैं चाहता नहीं कोई और दूसरा बंदा है यार, अकेला मज़ा आता है। एंड यहाँ पे टेलीफोन है, टीवी के रिमोट्स हैं, लैंप है एंड ऊपर फ़ैन है जो मैं आधे घंटे से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑन कहाँ से होता है। तो ऐसा है कुछ प्यारा सा रूम, बहुत ही प्यारा सा लगा मुझे तो। एंड यहाँ से व्यू देखो, कुछ ऐसा व्यू आता है सामने, बिल्कुल ही खाली खाली ओपन सा एरिया। यहाँ से देखो ऐसा है कुछ, वहाँ पे AC डक्स है एंड यहाँ पे अलमीरा भी है, बट यहाँ पे इस बार सिंगल अलमीरा दी हुई है, आई डोंट नो क्यों, सिंगल अलमीरा एंड रूम शेयरिंग में है बट पता नहीं, चलो देखते हैं। मेरे को तो उन्होंने बोला कि रूम शेयरिंग में है और नया बंदा आएगा वो शेयर करेगा, बट चलो कोई बात नहीं। सो ऐसा था हमारा रूम टूर। फाइनली चंडीगढ़ आ चुके हैं नाना करके भी, बड़ी मुश्किल से, मुश्किल क्या मतलब मन नहीं था आने का, बट चलो आ गए। अब तो रूम में बैठे हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा है एंड कुछ खा पी लेंगे यार, कल रात से कुछ नहीं खाया। मैं कल रात को यहाँ चंडीगढ़ पहुँच गया था बट एकोमोडेशन मेरा अप्रूव नहीं था, तो मैंने बाहर होटल में रूम ले लिया था नाइट स्टे के लिए। तो अभी अप्रूवल मिला तो मैंने फटाफट होटल से चेकआउट किया, यहाँ पहुँच गया फटाफट। तो बस यही था। आप बताओ कैसा लगा आपको? मेरे को तो बहुत प्यारा, मतलब वाइट थीम है तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, स्पेशली ये मिरर बहुत अच्छा लगा मेरे को। सुबह मॉर्निंग में रेडी होके यहाँ पे अच्छे से एक मिरर सेल्फीज जो हैं बहुत प्यारी प्यारी आएंगी। तो बस यही था रूम टूर, आई होप आपको अच्छी लगी। यहाँ से दरवाज़ा है, मैं एक बार बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको अगर कोई नहीं होगा तो। ये देखो ऐसा है कुछ हमारा कॉरिडोर, सारे रूम्स हैं यहाँ पर एंड यहाँ से एंटर होते ही मेरा है रूम नंबर 346। एक की होल है यहाँ से देख सकते हो, की होल नहीं जो भी बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, देते हैं बंद। ये है कि अपनी, इसको लगाओगे तो आपको लाइट मिलेगी पूरे रूम में, हर जगह नीचे छोटी छोटी लाइट्स भी दी हुई हैं जो बहुत प्यारी है। बस यही था गाइस रूम टूर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। One eternity later. इतनी मुश्किल से मैं ढूंढ रहा था इस फैन को कि ऑन कैसे करना है, फाइनली पता चला कि ये रिमोट ऑपरेटेड है, ये भी रिमोट से चलता है। सो वो देखो भाई अंदर लाइट चली एंड फैन ऑन हो गया, नाइस यार। 5 पे चलाएंगे इसको हम, बहुत बढ़िया।